Welcome to maths class. Today we will discuss exercise 2.3. Which of the following will not represent 0? हमें से कौन सा नंबर ये 0 रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? 1 प्लस 0 1 आंसर आएगा, तो ये 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. 0 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0 आएगा, तो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है. 0 बाय 2 तो 0 को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आएगा. यहाँ पर भी 10 माइनस 10 है तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को. उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, अगर किन्हीं भी दो नंबर्स होल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, कैन वी से दैट वन ऑफ बोथ कैन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो. जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल. हमने इसकी एग्जांपल देनी है. जैसे कि हमें पता है कि अगर हमने देखा था कि आइडेंटिटी देखी थी मल्टीप्लिकेशन में जीरो वाली, कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा जीरो आता है. तो जब भी हम दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हमारे पास रिजल्ट जीरो कब आएगा? जब उन दोनों में से कोई भी एक नंबर जीरो हो या दोनों ही जीरो हैं, उसमें हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा. इन सेकंड क्वेश्चन, 3 × 0 = 0, 0 × 4 = 0, 0 × 0 = 0, यानी कि जो रिजल्ट है हमारे पास तीनों में जीरो ही आ रहा है. तो अगर इनका प्रोडक्ट जीरो आता है तो उनमें से कोई भी एक या दोनों जीरो होने चाहिए. अगर एक जीरो होगा तब भी जीरो आता है, अगर दोनों जीरो होंगे तब भी हमारे पास प्रोडक्ट जीरो आता है. तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, देन वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, यानी कि वो जीरो होंगे. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन. जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स. इसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो वन है, और वन कब आता है हमारे पास? जब दोनों नंबर ही वन हो. अगर एक नंबर वन ना हो तो वो रिजल्ट हमारे पास वन नहीं आएगा. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, देन We can say that both of them, यानी कि वो दोनों ही वन होंगे. both of them will be वन. आपने इसके एग्जाम्पल खुद देने हैं और अपनी लाइन भी खुद ही लिखनी है जो मैंने बताई आपको. उसके बाद find using the distributive properties. आपको मैंने पीछे भी इस तरह के एग्जाम्पल करवाया था पीछे भी एक्सरसाइज में आप कर चुके हैं ये वाले सम्स. एक मैं फिर भी करवा देता हूँ आपको. मैंने 25 को ब्रेक करके टू पार्ट्स में 20 + 5, फिर 20 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया और 5 को भी इस नंबर से मल्टीप्लाई किया. जब मैं 20 को 824 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आता है 16480, और जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट आता है 4120. तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी. आपने डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज ये सारे सम करने हैं. उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें एक पैटर्न दिया गया है कि 1 + 1 × 8 + 1 = 9, 12 × 8 + 2 = 98. एक बार ध्यान से देखें कि यहाँ पर 1 के बाद साथ 2 लग गया और यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 लगाएंगे और यहाँ पे 3 हो गया. हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 9 आया, फिर 98 आया, 987 आया. उसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पर है 1 × 2 × 3 × 4 × 8 + 4, यहाँ पर आ गया रिजल्ट हमारे पास 9876. फिर है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 8 + 5, हमारे पास रिजल्ट आएगा 98756. इसको कॉपी पे लिख कर आप इनकी नेक्स्ट टू स्टेप्स कर सकते हो इजीली. फिर भी मैं एक बताया था आपको, नेक्स्ट में जो आएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 8 + 6, और हमारा जो रिजल्ट आएगा 987654. इसी तरह से अगर आपको कोई और पैटर्न मिलता है तो आप उसको कॉपी पे कर सकते हैं.